भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई ब्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेस प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी, मोबाइल नंबर 7000429620 7996858886। बालाघाट एक ऐसा शहर है जहां बीते कई वर्षों से प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर जलभराव की समस्याएं देखने मिल रही है। इस समस्या के चलते शहर की घनी बस्तियों के साथ ही पास कॉलोनियां भी पानी पानी हो जाती है। 7 साल पहले 2013-14 में पूरा शहर पानी पानी हो गया था। इसे लेकर नगरपालिका प्रशासन की चारों ओर आलोचना हुई थी। इसके बावजूद आज तक शहर के लिए व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना। नगरपालिका में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रमेश रंगलानी का कार्यकाल हो या फिर अनिल धुआरे का कार्यकाल, दोनों ही कार्यकाल में बारिश की समस्या के चलते निचले इलाकों के साथ पास कॉलोनियों में जल भराव के चलते लोग परेशान हुए हैं। लेकिन किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में पूरे शहर की ठोस प्लानिंग नहीं हुई। वार्ड नंबर 1 बूढ़ी ढिमरटोला, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 सहित प्रेमनगर, मोतीनगर, हनुमान चौक, गोंदिया रोड और गड्ढा मोहल्ला, वार्ड नंबर 4 देवटोला ऐसे इलाके हैं जहां तेज बारिश के बाद अक्सर जल भराव की समस्याओं का लोग सामना करते हैं। तत्कालीन अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल में नालों की साफ सफाई और नए नालों के निर्माण पर ध्यान दिया गया, लेकिन जल भराव से कोई राहत नहीं मिली। इसी तरह अनिल धुआरे के कार्यकाल में भी यही सब देखने मिला। किसी ने भी ड्रेनेज सिस्टम पर ठोस वर्क नहीं किया, इस वजह से जल भराव की समस्या अभी तक बनी हुई है। लोग बारिश का पानी घरों में घुसने के बाद जरूर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले वादों को भुला देते हैं। यही वजह है कि सुंदर नगर, दो वक्त पानी सबको देंगे रमेश रंगलानी, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाएंगे अनिल धुआरे जैसे दावे आज बारिश के पानी में धुल गए हैं। इन दावों और वादों का कोई असर शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य शिक्षक संघ ने बुधवार को पेंशन व कोषालय अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अनुमोदन को शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग की है। बताया गया कि कलेक्टर बालाघाट ने TL बैठक में इससे संबंधित निर्देश भी शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की शालाओं को सप्ताह भर पहले दिए थे, लेकिन आज तक आदेशों का परिपालन नहीं हुआ। पूरे जिले में करीब 8,000 शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी है। उनके बीच अनावश्यक वसूली अभियान को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिससे शिक्षक, लिपिक और प्राचार्य भी भ्रमित है। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि कोरोना काल में करीब 107 शिक्षकों की मौत हो गई है, जिसमें नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का ट्रेजरी कोड और इम्प्लाई कोड जारी नहीं हुआ, जिससे उन्हें GIS और HRA का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मौके पर शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव के अलावा जिला अध्यक्ष योगेश बिसेन, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणा, सचिव लक्ष्मीचंद ठाकरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज परसों सोमवार के दिन TL में कलेक्टर साहब ने अध्यापक जो नवीन संरचना में शिक्षक कहला रहे हैं उन लोगों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन होना है।
इस संबंध में कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर जो है सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसी संबंध में आज हम ट्रेजरी ऑफिसर श्री पंद्रे साहब से मुलाकात करी, क्योंकि पूरे ज़िले में करीब करीब 8,000 नवीन शिक्षक साथी हैं और एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अनावश्यक वसूली अभियान, हमारे शिक्षक भ्रमित हैं इसमें, हमारे लिपिक साथी भ्रमित हैं, हमारे प्राचार्य भी भ्रमित हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आज हम खुद देखें कि लिपिक यहाँ सेवा पुस्तिका लेके आ रहे हैं, यहाँ कोई करने तैयार नहीं है। जौलपुर की टीम बुलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम ट्रेजरी ऑफिसर पंद्रे साहब से आज मुलाकात करी और उनसे निवेदन किया कि आप एक सिस्टम बनाइए, एक एक दो ब्लॉक को एक दिन बुलवाइए, ताकि पूरा ज़िला ये ना हो और अनावश्यक जो इसी ऑफिस के माध्यम से जो वसूली के मैसेज यहाँ वहाँ, या कहना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से वसूली की मांग की जाती है, या हमारे हम क्यों आपस में हमारे लिपिक या प्राचार्य आपस में विवाद करें, ये करें, तो इसको निष्पक्ष इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करें और सत्यापन की प्रक्रिया जारी करें। दूसरा, हमारे कोरोना काल में बालाघाट ज़िले में लगभग 107 शिक्षकों की डेथ हुई है, जिसमें हमारे नवीन संवर्ग के कुछ साथियों का ट्रेजरी कोड एम्प्लॉय कोड जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें GIS का लाभ नहीं मिला है, HRA भी नहीं मिल रहा है, तो जो मृत साथी है उनके परिवार को GIS का लाभ मिले, ऐसी हमने ट्रेजरी ऑफिसर से आज मांग करी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार 8वें दिन हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान अनवरत हो रही बारिश के बीच संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि लगातार बढ़ते काम के दबाव के कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी परेशान है। कर्मचारियों से जितने घंटे सेवाएं ली जा रही है उसके एवज में उन्हें न तो वेतन मिल रहा है और न ही क्रमोन्नति का लाभ। मनरेगा हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन, NRHM सहित अन्य विभागों में दर्जनों कर्मचारी संविदा कर्मचारियों के तौर पर सालों से सेवाएँ दे रहे हैं, जबकि इन कर्मचारियों से कई तरह के काम भी लिए जा रहे हैं। करीब एक माह पहले राजनीतिक काम के दबाव के चलते पंचायत विभाग के दो अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं। दो अधिकारियों की मौत के कारण ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अनवरत चालू है, शासन की तरफ से कोई भी पहल अभी नहीं की जा रही है, इसके चलते हुए हमारे समस्त संयुक्त मोर्चे के हड़ताली कर्मचारियों के में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। अब सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम जो हड़ताल को है उसको उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। आगे कोई निर्देश मिले संयुक्त मोर्चा की ओर से, भोपाल की ओर से क्या करना है आगे? आगामी रणनीति तैयार हो रही है प्रदेश स्तर पर, जैसी तैयार होती है जो रणनीति तैयार की जा रही है उसके बाद हम लोग प्रदेश जो समिति निर्णय लेगी उसके आधार पर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे।